वेलकम स्टूडेंट्स, हम पढ़ेंगे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। देखिए, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस आया कैसे। होता क्या है कि आपका जो प्रोग्राम होता है ना, उसके अंदर कुछ पोर्शन जो होते हैं वो रेफरेंस नहीं होते, और उनके अंदर कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनको लोड करने की जरूरत भी नहीं होती, लेकिन पर्टिकुलरली कभी कभार उनको रन करते टाइम उनकी जरूरत आन पड़ती है, तो हम उन्हें डायनेमिकली उनको लेके आ जाते हैं। हम यहाँ पे कभी भी ऐसा बोल ही नहीं सकते कि हम कोई प्रेडिक्शन लगा सकते हैं इसके अंदर, और कोई भी सुपरफ्लूस पेज जो होंगे ना, जिनमें के अंदर जबरदस्ती की इन्फॉर्मेशन डली होगी या जबरदस्ती के सेगमेंट्स होंगे, सुपरफ्लूस पेजेस सेगमेंट्स वो होते हैं जो कि जबरन को होते हैं, मतलब उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, लेकिन तब भी वो हैं और इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर रहे हैं, मतलब मेमोरी के अंदर जबरन रिसाइड कर रहे हैं। तो ऐसे प्रोग्राम को भी एग्जीक्यूट कर रहे हैं हम, तो होता यूँ है कि आपके जो एड्रेस है, एड्रेस स्पेस है, वो एक्चुअली उन सुपरफ्लूस चीज़ों से भर जाता है, और रन टाइम के अंदर क्या होता है कि आपको दिक्कत आने लगती है। और इसका क्या जस्टिफिकेशन कि पार्शियली लोडेड प्रोग्राम जो है वो बड़ा छोटी इन्फॉर्मेशन दे पा रहा है, और जिनको आपको लेना चाहिए था, जिनसे पेज फॉल्ट आके जिनको होना चाहिए था, हो नहीं पा रहा। अब उससे हुआ क्या कि आपके सुपरफ्लूस पेज ने जगह घेर ली, तो पेज को लोड नहीं हो पा रहा, तो उससे पेज फॉल्ट भी रिड्यूस हो गया। अब आपको दूर से देखने में तो ऐसा लग रहा है पेज फॉल्ट रिड्यूस हो गया, अच्छी बात है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि आपकी करंट प्रोसेस जो है वो इनएक्टिव पड़ी हुई है। तो कई सारी स्टडीज और कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, कई सारी चीज़ें पढ़ने के बाद हमने ये देखा कि यहाँ पे प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी स्ट्रांग टेंडेंसी होती है अपने सबसेट बनाने की, और वो सबसेट जो होता है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ किसी जगह पर गया, मुझे मालूम है मेरा दोस्त आने वाला है, तो मैंने उसके लिए चेयर रख ली और किसी को बैठने नहीं दे रहा कि नहीं ये मेरे दोस्त की चेयर है, ये वहीं बैठेगा, ये जाइए अभी आप यहाँ से, कोई भी आएगा तो मैं दूंगा नहीं उसको। यही सेम चीज़ होती है शायद लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, जो कि टेम्परल और स्पेशल तरह की होती है। ये टेम्परल और स्पेशल क्या होता है अभी हम देखते हैं 2 मिनट में। तो कुल मिलाकर लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस मतलब ये कि आपके पास डेटा नहीं है, लेकिन आप जो जिसके पास डेटा है उसके लिए आप क्या कर रहे हो, उसके लिए आप लोकेशन को फाइंड आउट कर रहे हो, और ये फाइंड आउट करने से सुपरफ्लूस जो आपके पेजेस हैं वो आना बंद हो जाएंगे, और ये थोड़ा सा आपके पेज फॉल्ट को भी बहुत अच्छा कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्निक है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। अब यहाँ पे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को 2 तरीके से देखा गया है, ऑब्जर्व किया गया है कि ये तो स्पेशल भी होता है और टेम्परल भी होता है। स्पेशल लोकेलिटी जो होती है उसकी टेंडेंसी ये होती है कि आपका जो भी क्लस्टर्ड लोकेशन होती है प्रोग्राम की, जो भी रेफरेंस की जो क्लस्टर्ड लोकेशन होती है, उसको रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और रेंडमली डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनके प्रेफरेंसेस को याद रखता है। अब टेम्परल लोकेलिटी ये होती है कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे एक टेंडेंसी इसकी ये मानी जाती है कि आपकी कोई एक लोकेशन है उसमें जहाँ पे सेवरल क्लस्टर बने हुए हैं, उनको अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में यूज करना, बिल्कुल सही है ये, इसमें ऐसे समझ में नहीं आएगा और हम इसको आगे बताएंगे तो उसको पल्ले पड़ता जाएगा आपको। देखिए, टेम्परल लोकेलिटी जो है वो एग्जिबिट करती है प्रोग्राम लूप को, उसके जो सर्टेन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, उसके डेटा को जो कि बार बार यूज हो रहे हैं, मतलब मुझे मालूम है कि यार एक इंस्ट्रक्शन ये बार बार इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस में रख लूंगा मैं कि यार ये बार बार यूज हो रहा है, इसको आने दो। तो जो एक सर्टन पीरियड ऑफ टाइम पे जो इंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है, मैं इसको एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि आप कोई गेम खेल रहे हो जो कि 8 स्टेजेस में बना हुआ है, आप जब तक पहली स्टेज पार नहीं करोगे तब तक सेकंड स्टेज तक नहीं जा पाओगे, जब तक सेकंड स्टेज तक पार नहीं करोगे तब तक थर्ड स्टेज तक नहीं जा पाओगे। तो जाहिर सी बात है एट द सेम टाइम अगर आप सेकंड स्टेज की कोई एक पर्टिकुलर स्टेज पे हो आप, तो आप देखेंगे जरा कि आपके रैम के अंदर वही रिसाइड करेगा, मतलब फिलहाल जो कि जिसकी रेफरेंसेस की जरूरत है वही दिखाया जाएगा, उसमें जो भी आपका लास्ट में जो विलन होता है जिसको आप मार के अगली स्टेज तक पहुंचते हो, वो जब तक उसको नहीं मारोगे वो वापस से आ जाएगा, आपको खत्म करता जाएगा, आपका गेम ओवर करता जाएगा। तो मैं एक वीडियो गेम के एग्जाम्पल से ले रहा हूँ कि जब कंप्यूटर गेम के अंदर कि आप कोई भी अगर स्टेज क्लियर करनी होती है तो बार बार वही चीज़ आती है आपके पास रिपीटेडली या रैंडमली कि आपको उसको क्लियर करना जरूरी है। ये तो एक तरीका हुआ टेम्परल का। स्पेशल लोकेलिटी क्या होती है? स्पेशल लोकेलिटी किसी एक पर्टिकुलर आइटम को अलग से रेफरेंस कर रहा हो, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है। अब एक बार बताइए कि हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? मान लीजिए हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी ऐसी होगी कि मैं हूं, मुझे किसी ने किसी फंक्शन का इन्विटेशन दिया, मोस्ट प्रोबेबल मेरे साथ जाने वाला कौन हो सकता है? मैं ऑप्शन, मेरे घर वाले, जाहिर सी बात है मेरी फैमिली, उनको भी इसमें इंक्लूडेड होगा, आप सबका नाम तो लिखेंगे नहीं एक साथ कार्ड पे, तो उन्होंने क्या करा, एक नाम लिख दिया और दे दिए, या एक मैसेज कर दिया, एक इंसान को कर दिया, वो समझ जाएगा। अच्छा, वहीं मैं
मेरे कोई फ्रेंड्स होंगे वो अगर कहीं कोई पार्टी थ्रो कर रहे होंगे तो उसमें उन लोग की जरूरत नहीं है, उसमें वो मुझे सिर्फ टेक्स्ट करेंगे तो मैं अकेले पहुंचूंगा। मतलब क्या है कि स्पेशल लोकेलिटी वहां पे रेफरेंस की जाती है जब सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी उसकी हो या उसके नेबर्स आइटम की हो जिनको आगे जाके रेफरेंस किया जाएगा, उनको पहले से क्लस्टर में लाके पटक दो, उनको पहले से क्लस्टर में लाके रख दो। होता है ना कि जैसे किसी घर में फैमिली में शादी होने वाली होती है तो उसके दो चार महीने पहले से तैयारियां होने लगती है, तो वो क्या कहते हैं यार जाहिर सी बात है वो ऐसा तो होगा नहीं कि नहीं एक को बुलाएंगे बाकी से कहेंगे तुम घर ही रुको, ऐसा तो होगा नहीं। तो बाकी लोगों को भी क्या करना पड़ता है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस के चलो इनको बुलाएंगे तो हमें तो जाना ही है तो हम भी शॉपिंग कर ले। तो ये होता है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का एग्जांपल कि आपने एक लोकेशन को रेफर करा, उसके साथ जो उसके नेबरिंग लोकेशन थी जो हो सकता था मोस्ट प्रोबेबल मोस्ट फेवरेबल थी उसको पहले से आपने क्या कर लिया, प्रोवोक कर दिया कि साहब लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से क्या भैया ये यहाँ पे मौजूद है और इसको अपन को लेना पड़ेगा। अच्छा लोकेलिटी क्या होती है, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस का अगर मैं सही से मतलब बताऊँ ना तो लोकेलिटी मतलब होता है क्लस्टर, और क्लस्टर का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि एडजेसेंट पेजेस कि सारे पेजेस लाइन से लगे हो तो भैया ये चार पेज एक क्लस्टर, हाँ हाँ कभी भी नहीं होता। हो सकता है कि पेज जीरो के बाद पेज वन लगा हुआ है लेकिन वो दोनों एक क्लस्टर में ना हो, पेज जीरो के बाद पेज 43 जो हो उसके क्लस्टर का पार्ट हो, पेज 43 के बाद पेज 36 जो हो उसके क्लस्टर का पार्ट हो। तो जरूरी नहीं है कि 36 अगर जीरो क्लस्टर में आ रहा है मतलब पेज जीरो वाले में आ रहा है तो 35 भी आएगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल नहीं है। तो जैसा देखा जा रहा है कि जो टेम्परल या स्पेशल लोकेलिटी होती है दोनों डायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये डायनेमिक प्रॉपर्टीज को जैसी होती हैं कि ये पर्टिकुलर पेजेस के लिए कंपोज की जाती हैं, एक्टिव की जाती हैं, सेट ऑफ वेरिएशन रहते हैं, सेट ऑफ वेरीज उसके टाइम के हिसाब से रहते हैं, और प्रॉबिलिटी ये देखी जाती है कि जितने भी पर्टिकुलर मेमोरी रेफरेंसेज हैं जो बनाए जा रहे हैं उनके लिए स्पेसिफिक टाइम वेरिंग फंक्शन भी बनाया जाए। और इससे क्या होता है कि आपका जैसे ही पेजेस बढ़ते हैं तो आपके लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को रेफर किया जाता है, और जाहिर सी बात है पेज घटते हैं तो इसको थोड़ा सा कम भी किया जाता है। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अब मैं एज अ वर्चुअल मेमोरी मैनेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ, वर्चुअल मेमोरी मैनेजर हूँ मैं और मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूंगा तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या सजेस्ट करता है कि आपने क्या करा, सिग्निफिकेंट पोर्शंस बना दिए, कि मैं अगर VLC मीडिया प्लेयर खोलूंगा तो जाहिर सी बात है मेरे ऑडियो डिवाइस के जो ड्राइवर्स हैं वो इनेबल होने चाहिए, तो जहाँ पेज उसका पड़ा होगा उनके पेज के साथ इनका लिंकअप होगा। तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट पोर्शंस इन द मेमोरी स्पेस बना दिए और रनिंग के टाइम में वो आसानी से एक दूसरे को बुला सके। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करता है रेफरेंसेस पे के, मतलब जो रिसेंट रेफरेंसेस पेजेस हैं, और अगर पेजेस कोई सेम लोकेलिटी के अंदर हैं जो कि नियर अबाउट फ्यूचर में होने वाले रेफरेंस, तो उनको भी अपन अच्छे से निकाल सकते हैं। तो इस फाइंडिंग से आपको ये पता लग जाएगा कि भाई इम्प्लीमेंटेशन जो है रिप्लेसमेंट की और जो एलोकेशन पॉलिसीज है वो बेहतर हो रही है, इनका यूटिलाइजेशन बहुत बेहतर हो रहा है। तो ये था लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस।